इन दिनों साइबर क्रिमिनल्स सिम स्वैपिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि सिम स्वैपिंग होता क्या है। नाम से ही जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि सिम को स्वैप करना, इसे आप सिम क्लोनिंग भी कह सकते हैं, बट सिम क्लोनिंग किसी और तरीके से की जाती है। तो सिम क्लोनिंग दो तीन तरीके से की जाती है, जिसका एक तरीका ये भी है। तो सिम क्लोनिंग के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, आज बताता हूं सिम स्वैपिंग फ्रॉडस्टर्स करते कैसे हैं। सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आपकी बेसिक जानकारी इकट्ठी की जाती है, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि डेटा लीक से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और डेटा लीक अगर होता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे हैकर्स तक पहुंचती है, जिसका यूज करके वो अलग अलग कारनामों को अंजाम दे सकते हैं, जिसमें से एक सिम स्वैपिंग भी है। तो सिम स्वैपिंग के लिए बेसिक जानकारी इकट्ठी कर ली, उसके बाद वो रीच आउट करते हैं कस्टमर केयर को, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर का आपका फ़ोन नंबर है, जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, जो भी है, तो उसे कॉन्टैक्ट करते हैं। उनको ये बताते हैं कि आपका सिम काम नहीं कर रहा है और सिम रीएक्टिवेट करना है, या फिर सिम खो गया है, सिम चोरी हो गया है, उसी नाम पे दूसरा सिम हासिल करना है। तो उसमें क्या होता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर को ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले कहा जाता है, सिम खो जाने की स्थिति में अगर आपके तरह बन करके, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी किसी का नाम है, तो कोई फ्रॉडस्टर उसी के नाम से कस्टमर केयर को फ़ोन करके सारी आइडेंटिटी प्रूफ कर देता है, क्योंकि उसके पास आपकी बेसिक जानकारियाँ होती हैं। एक बार अगर कस्टमर केयर आपका सिम ब्लॉक कर दे तो उसे एक्टिवेट कराना फ्रॉडस्टर के लिए काफ़ी आसान होता है, वो आराम से आपके सिम को एक्टिवेट करा सकते हैं। अब ये कुछ समय तक के लिए होता है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका सिम ब्लॉक हो गया, आप फिर कस्टमर केयर को रीच आउट करोगे, आप अपनी आइडेंटिटी दोगे, तब तक सारा खेल वो कर चुके होंगे, क्योंकि सिम कार्ड से ओटीपी का पूरा एसोसिएशन होता है। इसके अलावा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कई अकाउंट में आपने लगा रखा होता है तो फ़ोन पे मैसेजेस जाते हैं, और फिर बैंक अकाउंट भी मोबाइल से लिंक्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस वजह से ऑलरेडी इतने कम समय में, लगभग 10 से 15 मिनट में ये फ्रॉड हो जाता है। तो अब आपको बताता हूँ इससे बचा कैसे जाए। बचने का उपाय काफ़ी सिंपल है, जो कि मैं बार बार आपको बताता हूँ। आप किसी भी, कोई भी आपको फ़ोन पे बात करता है और ओटीपी मांगता है, नो मैटर व्हाट, किसी भी चीज़ के लिए ओटीपी मांगता है, अगर आपको पता है कि आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, या फिर कोई ओटीपी आपके पास आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ओटीपी ना बताएं, कोई भी लिंक क्लिक ना करें, क्योंकि फिशिंग की वजह से भी सिम स्वैपिंग के केसेस आजकल बढ़ रहे हैं। इसके अलावा डिलीवरी स्कैम भी चल रहा है, जो डिटेल से बताऊंगा। डिलीवर करने के लिए सामान आते हैं लेकर के, और आपसे ओटीपी मांगते हैं और सामान दे भी जाते हैं, बट वो सामान सस्ता होता है और ओटीपी उस सामान से ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा निकाला जा सकता है। तो इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसे कोई फ्रॉड हुए हैं, और हम aajtak.in की वेबसाइट पे एक सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपके साथ अगर कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो हम उस पर स्टोरी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे समझ पाएं और आपका भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। थैंक यू।